हेलो एवरीवन, मैं साक्षी लोधी होम शेफ हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं अमूल का थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने पेज पे लाइव होने के लिए। जॉइन हुई है फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बसंत पंचमी स्पेशल येलो चावल या मीठे चावल, जो बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये इसका सामान है, देखिए। ये मैंने बासमती चावल लिया है, इसे मैंने 20 मिनट भिगो के रखा है। और मैंने ये चीनी ली है, सेम जितनी चावल हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने शुगर ली है। ये मैंने दालचीनी ली है, लौंग, चक्रफूल, और ये लिया है नमक, और ये लिया है केसर वाला पानी, और यहाँ मैंने साथ में लिए ड्राई फ्रूट। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल बॉईल कर लेते हैं। जितना मैंने चावल लिया है, हम हमेशा जब भी चावल बनाते हैं तो डबल पानी रखते हैं, पर हमें यहाँ पर मीठे चावल बनाने हैं तो इसके लिए पानी हमें कम ही रखना है। मैं यहाँ पर 1.25 कटोरी पानी रख रही हूँ। मेरी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है घी, अमूल घी। इसमें थोड़ा सा मैं घी डालूंगी। थोड़ा पानी बॉईल होगा, हमारा पानी गर्म हो गया है। ये मैंने चावल 20 मिनट से भिगोए हुए थे, बासमती चावल, इनका पानी निकाल के अब इस पानी में डालते हैं। जब तक चावल में एक उबाल नहीं आ जाता तब तक इसे हम खुला पकाएंगे। थैंक यू सविता जी। सविता जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आपको लाइव आना चाहिए। थैंक यू सो मच सविता जी। जब तक हमारे चावल पकते हैं हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चावल में एक उबाल आने वाला है। चावल में येलो कलर लाने के लिए, बसंती कलर लाने के लिए पिंच ऑफ हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया है, सारे नेचुरल कलर हैं।
चावल में उबाल आ गया है, हम इसे दूसरी का ट्रांसफर कर देंगे। देखिए इसमें येलो कलर आने लगा है, बसंती कलर। गैस सिम करके इसे कवर करते हैं। अब हम चाशनी की तैयारी कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। हमारा घी गर्म हो रहा है, इसमें हम ड्राई फ्रूटों को तल लेंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कोकोनट है चॉप किया हुआ, काजू है और बादाम। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का करना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। अब इसमें हम दालचीनी डालेंगे, दो लौंग डालेंगे, और एक कटोरी पानी डालेंगे। एक चक्रफूल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने चीनी जितने चावल लिए थे उसी नाप के मैंने चीनी ली है, इसे आप कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने स्वाद के अनुसार। अपने चावल चेक करते हैं हम। ये देखिए चावल हमारे 50% हुए हैं। अभी हमें चावल ऐसे चाहिए कि उसमें एक किनकी चावल हमारे रह जाए, तीन किनकी पक जाए। अपने स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं और हम इसमें घी भी अपने अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि जो बासमती चावल होता है उसमें घी ज़रूरी होता है। देसी घी डालने से ही इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अभी उबाल आने चाशनी में भी हमारे उबाल नहीं आया है।
सभी लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। कुछ लोग चावल को उबाल कर पसा के बनाते हैं और फिर चाशनी में डाल देते हैं, और उसमें कई लोग फूड कलर भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर विदाउट फूड कलर बनाया है, नेचुरल कलर। चाशनी में उबाल आने वाला है। मीठे चावल बसंत पंचमी पे ज़रूर बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सरस्वती जी की पूजा की जाती है, तो उन्हें पीले चावल का भोग लगाया जाता है। कोई भी पीली चीज़ जैसे पीले लड्डू, पीले चावल, ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है क्योंकि ये पुराने समय से ही बनाई जा रही जाती है। सभी को बहुत पसंद आती है, इसे हम कभी भी अपने घर में बना सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप मीठे चावल बना सकते हैं और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हम राइस देखते हैं। हमारे राइस ये देखिए, हमारे राइस बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे। हमारी चाशनी तैयार है लगभग। अब इसके अंदर हम एक इलायची डाल देंगे, इलायची हरी। इसको कूट कर रखा है मैंने ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है। हमारे चावल तैयार हैं। अब हमारे चावल को चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चावल हम थोड़े कच्चे रखते हैं ताकि वो चाशनी के अंदर भी पक जाएं। अब इन्हें हम चाशनी में पकने देंगे। ऊपर से डालेंगे ये केसर वाला पानी। अब कुछ देर के लिए इसको हम कवर कर देंगे, कुछ मिनटों के लिए, ताकि चावल थोड़ा और पक जाए। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं, एक टिप्स है, जब भी हम कभी ये चावल बनाते हैं तो इन्हें हम कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, चावल जैसे हमने अभी बनाया, फ्राई कर लिया सारे ड्राई फ्रूट्स और उन्हें निकाल लिया, और हमने कुकर के अंदर घी डाला। घी डालकर दालचीनी, लौंग, इलायची और आप ये चक्रफूल डाल दीजिए और चावल साथ डाल दीजिए। चावल डालने के बाद एक उबाल लगाएं, फिर उसके अंदर चीनी डालें और सारे ड्राई फ्रूट डालकर एक विसल लगा लें। उसमें भी बहुत अच्छे चावल बनते हैं। मैंने यहाँ पर जो ये लिए थे, देखिए ये भी ठंडे हो चुके हैं और कितने क्रिस्पी हैं, ड्राई फ्रूट कितने क्रिस्पी हैं। देखिए थोड़ा चावल हमारा पक जाए।
बासमती चावल को ज़्यादा हिलाते हैं तो टूटने लगता है, इसलिए बासमती चावल को मैंने तो अभी इंस्टेंट बनाए हैं, नहीं तो आधा घंटा पहले बना के रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह ठंडे हो जाएं और चाशनी के अंदर बिल्कुल सही फिट हो। इसमें आप जर्दा, इसको हम जर्दा भी कह सकते हैं, जर्दा बनाने के लिए हम लोग सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं, वो चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारे चावल थोड़े पके नहीं थे वो भी पक जाएंगे। चावल चावल की क्वालिटी होती है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कुछ चावल होते हैं बहुत जल्दी ही पानी को अब्जर्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ चावल ऐसे होते हैं बासमती के पता ही नहीं चलता वो कितनी जल्दी पक जाते हैं। चावल पक रहे हैं, इसके अंदर हमें जायफल का पाउडर डाल देंगे। जायफल का बहुत ही अच्छा स्वाद और अच्छी खुशबू आती है। हम चावल को इंस्टेंट बना रहे हैं, नहीं तो हम चावल जब बना के थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो चावल सारा एक्स्ट्रा पानी सोख लेता है। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं तब तक हम प्लेटिंग कर लेते हैं। जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे मैंने उसी से प्लेटिंग कर दी है। ये देखिए, देखिए हमारे चावलों ने सारी चाशनी ऑब्जर्व कर ली है। अभी गर्म है तो इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में है। हम थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देंगे इनके ऊपर। Thank you.
सब जानते हैं चावल को थोड़ा बंद करके रख दें तो सारा पानी सोख लेते हैं। चावल हमारे वैसे लगभग तैयार हैं। चलिए प्लेटिंग करते हैं, चावल हमारे तैयार हैं। ये देखिए अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। बसंत पंचमी स्पेशल मीठे चावल तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।